राकेश टिकैत को जानते हैं? राकेश टिकैत को कौन? राकेश टिकैत नहीं जानते हैं? नहीं जानते। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं? जी राकेश टिकैत? राकेश नहीं जी, नहीं। राकेश सिंह को? राकेश टिकैत को उनका नाम नहीं सुना है। आंदोलनबाज टिकैत से बंगाल अनजान। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं आप? किसान नेता है बड़े? नहीं जानते। भाई साहब राकेश टिकैत साहब को जानते हैं? नहीं जानते। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं? राकेश टिकैत कौन? राकेश टिकैत नहीं जानते। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं? राकेश टिकैत को नहीं जानते। किसानों के नेता है वो। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं? किसको? राकेश टिकैत को नहीं जानते। आप जानते हैं मैम राकेश टिकैत को? आप भी कलकत्ता मारे हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। नहीं जानते। दादा राकेश टिकैत को जानते हैं? जी राकेश टिकैत? राकेश नहीं जी, नहीं जानते। मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्या बोलेंगे वहाँ? ये कहेंगे कि MSP पे खरीद नहीं हो रही और इस सरकार ने लूट लिया किसान को, ये कहेंगे। गुंडों की टोली टिकैत की हमजोली। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं आप? बोलिए ना, आपने दिखाने क्या? हमें बोलना नहीं है इसमें। आप गाली दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। चलो देखिए बदतमीजी। बंगाल पहुंचे टिकैत के साथ सिंगू बॉर्डर की उड़ता पंजाब वाली पूरी टोली है। एक एक चेहरे को गौर से देख लीजिए। उड़ता पंजाब की टीम हवाई जहाज में उड़कर बंगाल पहुंच चुकी है। टिकैत को बंगाल के किसानों की चिंता ऐसी हुई कि बंगाल आने से खुद को रोक नहीं पाए। तो बंगाल में तो आना पड़ेगा, बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। दुरुस्त फरमा रहे हैं टिकैत, बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। पर सवाल तो यही है कि टिकैत को यहाँ जानता कौन है? और जब कोई जानता ही नहीं तो बंगाल में दिल्ली बॉर्डर वाला मजमा लगेगा कैसे? ये किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ है, जानते हैं आप उनको? नहीं जानते। पार्टी पॉलिसी में लेंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। दादा चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर, चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत आए, जानते हैं उनको आप? नहीं जानते हैं। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं। दादा चुनाव चल रहे हैं, राकेश टिकैत किसान नेता, जानते हैं उनको आप? नहीं जानते। दादा राकेश टिकैत किसान नेता है, वो यहाँ आ रहे हैं चुनाव में, जानते हैं उनको आप? राकेश सिंह को? राकेश टिकैत को उनका नाम नहीं सुना है। बंगाल में कोई नहीं जानता टिकैत को, लेकिन फंडबाजों ने यहाँ भी टिकैत के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। गाड़ियों के काफिले से लेकर खाने पीने सबका पुख्ता इंतजाम। ये काफिला, ये गाड़ी उनके लिए तैयार है। ये गाड़ी देखिए, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये पूरी गाड़ियाँ उनकी है जिसमें राकेश टिकैत बैठकर ये जाएंगे। ये गाड़ियाँ तैयार है, गाड़ियों का काफिला है, गुंडों की टोली है, अराजकता की बोली है। टिकैत के उड़ता पंजाब समर्थक बंगाल तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता करने क्या है। पूछो तो अजब गजब जवाब देते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। पूरी तैयारी है, डट के तैयारी है। हाँ। और हम जीतेंगे। हाँ। भगवान का आसरा है। हाँ। महाराज का आसरा है, हम जीतेंगे। और मोदी साहब को झुकना पड़ेगा। ऊपरी तौर पर देखेंगे तो लगेगा कि अनगाइडेड मिसाइल टाइप की हरकतें कर रहे हैं टिकैत और उनकी टोली। हालांकि जब तह में जाएंगे तो पता लगेगा कि टिकैत मोदी सरकार के खिलाफ एक गाइडेड मिसाइल के तौर पर काम कर रही है। सिर्फ चेहरा उनका है, बाकी सारा खेल कहीं और से खेला जा रहा है। अब बंगाल में आए हैं खेला कर, लेकिन इतना तो तय है कि 2 मई को जब 5 राज्यों के नतीजे आएंगे तो टिकैत को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे बंगाल में ममता दीदी बोल रही हैं खेला होवे। मेरे बंगाल में TMC बोल रही है खेला होवे। मेरे बंगाल में BJP बोल रही है खेला होवे। अब भाई राकेश टिकैत भी बंगाल की धरती पर आकर बोल रहे हैं खेला होवे, खेला होवे। आखिर ये खेला कैसे होवे, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ भाई राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत साहब, आप तो 100 दिन से ज्यादा ऊपर हो गए। दिल्ली की सड़कों पर बैठकर, दिल्ली को बंधक बनाकर आपने खूब खेला। मेरे किसान
किसान भाइयों के नाम पर आपने खूब खेला खेला, आखिर क्या फायदा हुआ? क्या हुआ? मेरे किसान भाइयों के नाम पर आप जो सियासी एजेंडा चला रहे हैं, वो सियासी एजेंडा बंगाल की जनता समझती है, बंगाल की माटी मानुष समझते हैं, बंगाल के लोग समझते हैं। मेरे बंगाली भाई बहन बहुत ज्यादा जागरूक हैं। आपका खेला होवे का जो नारा है ना, ये पूरे बंगाल के लोग समझते हैं।